नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से HRI न्यूज पर स्वागत है। बड़ी खबर दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल से खबर निकल के आ रही है, लगातार केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। और वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सोशल मीडिया पर, यहाँ पर हैशटैग बंगाली प्राइम मिनिस्टर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है इसका मतलब आपको बताते चलें। पश्चिम बंगाल में मिली बीजेपी को शर्मनाक हार के बाद यहाँ पर बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर आ गई है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी को शानदार जीत मिली है, जिससे कि TMC काफी उत्साहित है। वहीं दोस्तों विधानसभा चुनाव के दौरान ही ममता बनर्जी ने इस ओर इशारा कर दिया था कि वह आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी को सीधी टक्कर दे सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां से इस समय PM मोदी सांसद हैं। और विपक्ष में भी इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके, सिवाय CM ममता बनर्जी के, जो कि शानदार जीत उन्होंने हासिल की है पश्चिम बंगाल में, जहां पर टूरिस्ट गैंग को बाहर किया है और 200 का आंकड़ा पार करके यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब से ही ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं और इसी पूरे मुद्दे को लेकर ट्विटर पर अभियान भी चलाया जा रहा है, हैशटैग बंगाली प्राइम मिनिस्टर। क्या दोस्तों आप भी यहां पर PM मोदी के विकल्प के तौर पर CM ममता बनर्जी को देखते हैं? क्या वह PM मोदी को टक्कर दे सकती हैं? अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत